केहू और के आई, लेकिन हमरा हाथ में मेहंदी तोरे नाम के रचा गेल बा। मोहब्बत जब अपन जोर लगावेला तो सामने पूरा जमाना सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म मेहंदी लाके रखना। इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और इस फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग जानकारी आज के इस खास वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। मेहंदी लाके रखना एक एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म थी जिसे रिलीज किया गया था 2 फरवरी 2017 को। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी, रितु सिंह, अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, संजय महानंद और आनंद मोहन जैसे दिग्गज कलाकार। फिल्म को डायरेक्ट किया था, फिल्म की स्टोरी लिखी थी और फिल्म में म्यूजिक दिया था रजनीश मिश्रा ने। वहीं फिल्म को प्रोड्यूस किया था अनंजय रघुराज ने। इस फिल्म में 41 मिनट 16 सेकंड लंबाई की 10 गाने रखे गए थे। इस फिल्म के कुछ बेहतरीन और कर्णप्रिय गाने थे जैसे लगा के फेयर लवली, बारू अनमोल खजाना, सरसों के सगिया आदि। ये गाने ऐसे थे जो कि उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म के गाने 2017 के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गाने की लिस्ट में शामिल हुए थे। बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फिल्म का बजट लगभग 2,26,00,000 रखा गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 15,28,00,000 का कलेक्शन किया था और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस फिल्म के कुल लंबाई 2 घंटा 40 मिनट है जिसे IMDb पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 60% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को पसंद किया है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर एक, मेहंदी लाके रखना 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की रेस में पहले पायदान पर थी। बात करें उस साल की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्मों की तो इस लिस्ट में नंबर एक पर थी मेहंदी लाके रखना, दूसरे नंबर पर थी निरहुआ हिंदुस्तानी 2, तीसरे नंबर पर थी सत्या, चौथे नंबर पर थी काशी अमरनाथ और पांचवें नंबर पर थी आतंकवादी। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के लिए सबसे पहले अक्षरा सिंह को लेने पर विचार किया जा रहा था, क्योंकि अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव की जोड़ी उस समय की बेस्ट जोड़ी मानी जाती थी। इन दोनों की जोड़ी इससे पहले ए बलमा बिहार वाला, साथिया और हीरो नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्मों में देखने को मिली थी। इसलिए इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म के लिए अक्षरा सिंह को लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस फिल्म के लिए काजल राघवानी को साइन करने का फैसला किया था, क्योंकि काजल राघवानी के साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर अनंजय रघुराज ने इससे पहले पटना से पाकिस्तान बनाई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसलिए अनंजय रघुराज ने इस फिल्म में काजल राघवानी को खेसारी लाल यादव के अपोजिट साइन किया और इस फिल्म में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और इस फिल्म के बाद से खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी सुपरहिट हो गई और इस फिल्म के बाद बैक टू बैक इन दोनों ने काफी सारी फिल्मों में काम किया जैसे हम हैं, हिंदुस्तानी, मैं सहरा बांध के आऊंगा, संघर्ष आदि। और इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 3, मेहंदी लाके रखना डायरेक्टर रजनीश मिश्रा की एज ए डायरेक्टर के रूप में पहली फिल्म थी। इससे पहले रजनीश मिश्रा काफी सारी फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्ट कर चुके थे। रजनीश मिश्रा ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला में और उस फिल्म में इन्होंने म्यूजिक डायरेक्ट किया था। इसके बाद लगभग 50 से भी ज्यादा फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक डायरेक्ट किया। इसके बाद इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया और एक फिल्म की स्टोरी लिखी और अनंजय रघुराज और खेसारी लाल यादव का इन्हें साथ मिला और इन्होंने मेहंदी लाके रखना फिल्म को बनाया जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और पहली ही फिल्म से रजनीश मिश्रा की गिनती भोजपुरी के सबसे बेस्ट डायरेक्टर में की जाने लगी।
फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म को सबसे पहले दिवाली 2016 में रिलीज करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में काफी समय लग गया, जिस कारण ये फिल्म 2 फरवरी 2017 को रिलीज हुई थी और फिल्म ने थिएटर में 50 दिन कंप्लीट किए थे। फैक्ट नंबर 5, ये फिल्म रितु सिंह के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी। दोस्तों, रितु सिंह ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपने कैरियर की शुरुआत की थी फिल्म दिलदार सवरिया से। इसके बाद इन्होंने बिन बजाय सपेरा और दुलारा जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन मेहंदी लाके रखना इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव और इन पर फिल्माया गया एक गाना लगा के फेयर लवली काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस गाने के बाद इन्हें बबली गर्ल के नाम से जाना जाने लगा था और इस गाने के बाद ये भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी मेहंदी लाके रखना फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट। बहुत जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है, जहां हम इस फिल्म से जुड़े और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बने रहे फिल्मी वाला के साथ।